इस पार्ट टू में स्वागत है और इसमें हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन जो है क्या होता है। ठीक है, तो ये रही आपकी सिमेट्रिक जो है रिलेशन की क्या डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक रिलेशन आर एक नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एक रिलेशन आर वो सिमेट्रिक तभी होगी जब ए रिलेटेड टू बी होगा, जो इंप्लाई करेगा कि बी रिलेटेड, मतलब इंप्लाई क्या मतलब कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इसको आम भाषा में अगर आपको क्वेश्चन करते समय आपको क्या करना है कि अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना है तो आपको इस कंडीशन का यूज करना है कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, और आपको कंडीशन इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही फॉर्मेट में ये इंप्लाई का साइन आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। अब इसको एग्जांपल ले लो इसका। ठीक है, ऐसे मान लो कि अगर टू रिलेटेड टू टू है, ठीक है, टू रिलेटेड टू टू है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू रिलेटेड टू टू ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों सेम है तो वो समझ में आया नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंट लेते हैं। जैसे वन रिलेटेड टू टू है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि टू रिलेटेड टू वन होना चाहिए, अगर वन रिलेटेड टू थ्री है तो थ्री रिलेटेड टू वन होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन की मदद से आपको समझाता हूँ, आई होप ये एग्जांपल की मदद से आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करना होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ए सेट दे रखा है टू थ्री फोर। ठीक है, तो देन रिलेशन आर इज इक्वल टू, हमें रिलेशन भी दे रखी है टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री थ्री कॉमा टू टू कॉमा फोर फोर कॉमा टू। ठीक है, और रिलेशन किस पर है, सेट ए पर है। तो हमें बताने हैं, हम चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, अब सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या थी कि इफ दिस बिलोंग्स टू आर तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो अब आपको पूरी पेपर में कैसे, पेपर में आपको कैसे लिखना है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए वो लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक इनमें से यहाँ पर रिलेशन दे रखा है तो यहाँ से एक एग्जांपल उठाना है, चुका के आपको सॉल्व कर देना। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको कंडीशन क्या, कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई मतलब वापस लिखनी पड़ेगी कि इफ अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ से कोई एग्जांपल उठाओ, जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे पास दिख रहा है टू कॉमा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है टू थ्री फोर एक सेट दे रखा है। ठीक, देन द रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस दिस दिस, यहाँ पर रिलेशन भी मेंशन कर रखा है ऑन सेट ए, इज सिमेट्रिक और नॉट, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बिल्कुल एज इट इज लिख के लिखाऊंगा जैसे आपको पेपर में लिख के आना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आप कर रहे हो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आपको वाली जो कंडीशन यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है अगर आर में तो इसका मतलब है कि बी कॉमा ए भी जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक, अब यहाँ से आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन हुआ है तो इसमें से आपको एलिमेंट्स उठाने हैं और उसमें मतलब प्रूफ कर देना। यहाँ पर पहला एलिमेंट है टू कॉमा थ्री, अब टू कॉमा थ्री यहाँ पर ए कॉमा बी हो गया मेरा, ए कॉमा बी क्या हो गया मेरा टू कॉमा थ्री, तो अगर टू कॉमा थ्री बिलोंग कर रहा है आर में इसका मतलब क्या होगा कि थ्री कॉमा टू भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ आर में। तो क्या आर के अंदर थ्री कॉमा टू है, तो जी हाँ बिल्कुल थ्री कॉमा टू है, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जो है ये क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है। यही रिलेशन इसी को आप टू कॉमा फोर से भी कर सकते हो, अगर टू कॉमा फोर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर और फोर कॉमा टू भी बिलोंग कर रहा है आपका आर के अंदर, तो इससे भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, जो कि कंफ्यूजिंग रिलेशन है, मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का थोड़ा सा। तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन आर एक नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एक रिलेशन आर वो ट्रांजिटिव होगी जब ए रिलेटेड होगा बी के साथ और बी रिलेटेड होगा सी के साथ। इसका मतलब क्या होगा कि ए रिलेटेड भी होना चाहिए सी के साथ, अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या होगा वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब ये कंफ्यूजिंग कैसे है, ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये ट्रांजिटिव होने की भी है और ना होने की भी है। अगर पूरा का पूरा, ठीक है, ये इतना पूरा का पूरा जो है ये प्रूफ हो रहा है, ये चीज़ हो रही है एक रिलेशन गिवन रिलेशन के साथ, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। और अगर इन दोनों में से, ठीक है, ये दोनों हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, और अगर इन दोनों में से ये वाला हो रहा है ये नहीं हो रहा है तब भी रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। यही ही इसीलिए इसको कंफ्यूजिंग रिलेशन भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप का है। ठीक है, तो जिसके लिए सिंपल कंडीशन होनी चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये होनी चाहिए कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, और इसका मतलब है कि ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो यही इसकी सिंपल सी कंडीशन है। तो देखो अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर ए, चलो छोड़ो, यहाँ पर वन कॉमा टू मान लो रिलेटेड है और बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, और देखो बी भी है तो यहाँ पर बी क्या है टू, तो टू और यहाँ पर सी कुछ और होनी चाहिए, टू कॉमा थ्री भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए कॉमा सी यानी कि ए क्या है वन और सी क्या है थ्री, वन कॉमा थ्री भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ आर में। ठीक, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ये चीज़ आर में बिलोंग नहीं कर रही है, ठीक, और अगर मान लो वन कॉमा थ्री जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग टू आर, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, अरे नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, अब मान लो कि वन कॉमा टू जो है बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, लेकिन जो टू कॉमा थ्री है ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तब भी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, यही चीज़ है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर ये चीज़ तो है रिलेशन के अंदर लेकिन ये चीज़ नहीं है, और आंसर शीट में दे रहा है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है, और बच्चे क्या कहते हैं कि भाई कंडीशन ये वाली कंडीशन के हिसाब से कि भाई अगर ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है और ये नहीं बिलोंग कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगी, तो कहते हैं कि एनसीईआरटी ने आंसर गलत लिख रखा है। नहीं, एनसीईआरटी ने आंसर सही दे रखा है, हम लोग को कंडीशन पूरी नहीं पता है। अगर सिर्फ और ये बिलोंग कर रहा है आर में, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तब भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगी। ठीक, मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि
2.4 मान लो आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक, और 4.5, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए कॉमा बी है, और ये हमारा क्या है, बी कॉमा सी है, ठीक। अब मान लो ये जो ए कॉमा बी यानी कि 2.4 आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी यानी 4.5 ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तब भी ये रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि जो एम्प्टी रिलेशन होता है यानी कि जो फाई होता है ये हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपको मैंने एग्जांपल की मदद से ट्रांजिटिव रिलेशन तो समझा दिया, अब बात करते हैं क्वेश्चन की मदद से, ये क्वेश्चन कौन सा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो कि है, मतलब ऐसा इस वाले बेस है, ठीक है, ये ऐसा वाला आएगा तो आप तो कर लोगे 100% श्योर हूं कि ये रिलेटेड ये बिलोंग करना चाहिए इसमें और ये बिलोंग करेगा इसमें और तो ये बिलोंग करना चाहिए इसमें, ये आप कर दोगे, ठीक है। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन यानी कि नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, इस तरीके से डिफाइन है, तो इसको लिख ले, ठीक है। तो ये रहा रिलेशन हमारे पास, ये रिलेशन है जहाँ पर जो हमारा जो आर है वो आर किसमें है, नेचुरल नंबर के सेट में। सबसे पहले तो हम रिलेशन को लिखेंगे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म की फॉर्मेट में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक्स कॉमा वाई जो होना चाहिए सच दैट कि वाई जो होना चाहिए एक्स प्लस फाइव होना चाहिए, ठीक, और एक्स जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर बस एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। तो एक्स अगर मैंने 1 डाला, 4 से छोटा है 1 डाला, तो वाई क्या मिल जाएगा मुझे 6 मिल जाएगा, ठीक। अब अगर एक्स मैंने 2 डाल दिया, अगर यहाँ पर एक्स 2 पुट किया तो 2 प्लस में 5 क्या जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया तो मुझे यहाँ पर वाई क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ मैंने अगर 3 पुट किया तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, तो वाई मुझे 8 मिल जाएगा, ठीक। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखो क्या चाहिए कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो डेफिनेटली क्या करना चाहिए, ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर देखो ए कॉमा बी मान लो मैंने 1.6, ठीक है, 1.6 जो है बिलोंग कर रहा है आर में। अब बी कॉमा सी यानी कि 6 के साथ कोई और भी बिलोंग करना चाहिए आर में, अब 6 के साथ कोई और तो है नहीं, ठीक है, 6 के साथ यानी कि बट 6, ठीक है, 6 कॉमा सी जो कि है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। उस अगर देखो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसके इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो कौन सा क्वेश्चन था, ये था 1.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, ये एक्स इक्वल टू वाई, अब इसका आंसर दिखाता हूँ। देखो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ये इसमें मतलब नहीं है, बट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यही है जो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ये ट्रांजिटिव होने की भी प्रॉपर्टी है, और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ ये चीज़ हो रही है, तभी वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक। बहुत सारे टीचर्स को नहीं बताते, नहीं पता होता है क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को पता था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंफ्यूजन रिलेशन कहा जाता है, कुछ नहीं है, बस सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ यार इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। तो चलो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, अलविदा।